एक किसी ने पहले भी प्रश्न करा था कि गुरु जी ये आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग और भगवान शंकर का ये प्रयोग करते हैं तो कई लोगों को हमने देखा कि उनके जुड़वा छोरा छोरी होते हैं तो एक क्यों नहीं होता। हमने कहा भगवान जब भी देता है तो फाड़ के देता, उसमें क्या टेंशन। सारे देव देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो थोड़ा तो देता ही नहीं है, वो जो भी दिया उसने अलमस्त होकर दिया, ले जा जा, चोर को कुबेर बना देता है वो। तो ये साधारण सा विषय है। आप में से कितनी माताएं या कितने भाई लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर पर जाते हैं और मंदिर पर जब जाते हैं वापिस जब लौट कर आते हैं तो मंदिर की चौखट का स्पर्श कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाते हैं। आप में से कितने लोग हैं? हैं बहुत सारे, ठीक है। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया और नियम से अगर शंकर मंदिर की दरवाजे की चौखट पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद जब आप लौट कर आ रहे हैं और उनकी चौखट पर आपने हाथ फेर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाया है, वो धीरे धीरे अपने भाग्य की ओर देखते हैं। तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से मंदिर जाना। आज के भोजन में जो सुख नहीं है जो बैठ कर जीवने में है, बैठ कर जीवने में। क्यों? पहले तो पत्तल का इंतजार करो, कौन ला रिया है, अच्छी दे रिया कि नहीं दे रिया। जरा सी भी गड़बड़ पत्तल आ जाए तो एक और रख फटी हुई है, हम कैसे खाएंगे। फिर दोने का इंतजार करो और दोना भी ऐसा डोला डाल मिल जाए तो दो तीन पत्थर लगा, कहीं लुढ़क नहीं जाए, रायता फैल नहीं जाए। फिर कोई गुलाब जामुन देने आए अपना वाला तो इशारे में के दो। पहले भोजन का आनंद था जी, भोजन करने में सुख मिलता था, इशारे में के दो। और फिर पूड़ी भी ले तो अच्छी जोरदार फूली फूली है। और फिर सब्जी देने वाला आ जाए उससे क्यों हिला के दे, बढ़िया झोलदार चकाचक, वो आनंद होता था।